special it is, India versus Pakistan, and just 33 more runs from 27.3 overs. India has cruised like anything. एक छोटा total सामने था, उस छोटे total पे charge किया. इस वक्त India की तीन विकेटें गिर चुकी हैं. 159 runs जो हैं वो India ने score किए हुए हैं. बात करेंगे obviously इस match के हवाले से, and maybe over the period of time, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये match इख्तिताम पजीर भी हो जाएगा during our show. So yes, एक post match के हवाले से हम analysis ज़रूर करेंगे इस match का. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर. और जैसे कि सवेरा ने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस शो के दौरान ही मैच जो है खत्म होता जाएगा या हो जाएगा. अच्छा, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये जख्म भी भरता जाएगा. जख्म जो है ये जख्म कोई ताज़ा नहीं है, ये जख्म हमेशा से ही है. वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार है, लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप की, स्पेशली वनडे वर्ल्ड कप की, तो ये रिकॉर्ड 7-0 है अब तक. लेकिन हमें किसी करिश्मे का इंतज़ार करना है या नहीं करना, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है. मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा इस वक्त. वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक. कैसे हाल है? जैसे आप सब के हाल है वैसे हमारे भी हाल हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, थैंक यू. देखिए, ज़िंदगी में एक बहुत आसान सा काम होता है, वो होता है मूव ऑन करना. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द गेम. हमने 9 गेम्स खेलने हैं इस इवेंट में. येस, इंडिया आउट प्लेड अस. वाई डिड इंडिया आउट प्ले अस, सवाल ये बनता है. हमें वहाँ बैठ के वो सवाल पूछना चाहिए, सोचना चाहिए और असेस करके अगले मैच में उतरना चाहिए. नेक्स्ट वील बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ अनदर कॉन्टेस्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इस वक्त तक इस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट ही वो सबका गुस्सा निकाल दें. सो वी नीड टू फिगर आउट दैट फर्स्ट, बिकॉज हमने बैंगलोर में मुकाबला करना है. मगर इस मैच की मैं बात करूँ, क्या हो गया अचानक से? लग रहा है अब तो पिच इतनी अच्छी हो गई है जिस तरह बैटिंग की है इंडिया के बैटर्स ने आकर. मुशी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को. उन्होंने बहुत क्लिनिक और बड़ी क्लिनिकल और बड़ी प्लान्स के साथ क्रिकेट खेली है. ऑल दो जब टॉस जीत कर उन्होंने बॉलिंग शुरू की ना, तो मैं कह रहा था इन्होंने क्या किया ये. मतलब इतना फ्लैट पिच है, इस फ्लैट के ऊपर इन्होंने बैटिंग करवा दी है. तो मुझे ये समझ आ नहीं रही थी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमारे इवन 152/2 था ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इन्होंने मौका दे दिया जीतने का. पर वो ऑब्वियसली बाबर जिस तरह आउट हो गया, पीछे ऊपर नीचे विकेटें गिर गई. पर अगर इसकी इस मैच को अगर हम एनालाइज करें ना, तो ये माइंडसेट गेम है. ये आई थिंक माइंडसेट की पूरी टेम्परामेंट की गेम है. मैंने ये देखा है कि जो हमारी पार्टनरशिप लग रही थी और जिस तरह ये आए हैं, ऑल दो दे हैव नो प्रेशर टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे 350 लगा होता, मुझे लगता है कि इन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि जो एशिया कप के दूसरे मैच में कैंडी के मैच के बाद इन्होंने शहीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और गिल ने आके अटैक किया उधर फाइनल में, जो भी फाइनल से पहले था, सॉरी. उसके अलावा देखे ना, अब पहला बॉल उसने खेला रोहित शर्मा ने, क्या किया, चौका पटाक करके उसने चौका मारा. एंड ही टेल, मतलब ये मुझे समझ आनी चाहिए कि हमारी जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसके ऊपर हमारा इंटेंट मुझे आज इतना तगड़ा नहीं लगा जितना होना चाहिए था. एंड आज के मैच में जिस तरह जिस अप्रोच से टीम इंडिया उतरी है, मेरा ख्याल से जहां रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाना शुरू किया या चौका मारा, वो एक बाकी जो टीम्स रह गई हैं, 6 टीम्स जिनके साथ रोहित शर्मा और कंपनी ने खेलना है, टीम इंडिया ने, उनको भी एक स्टेटमेंट सेट किया कि इंडिया इसी मूड से आई है और टीम इंडिया इसी तरह खेलेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहनत की उन्होंने टीम पे और क्रेडिट जाता है ड्रेविड को, रोहित शर्मा को, होल टीम को, मैनेजमेंट को. जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स टीम बनाई है, इन्होंने 30-40 प्लेयर्स लेके उनको कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं. हल्की टीम आती थी, रोहित भी बैठ जाता था, कोहली भी बैठ जाता. उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई है कि एशिया कप में नजर आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है. बिल्कुल. और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं. बाकी तीन टीमें, कभी किसी ने साउथ अफ्रीका रख ली, किसी ने इंग्लैंड रख ली. लेकिन यूसुफ, कतअ कलामी की माफी आपको मैं एक ऐड इन आपसे और पूछना इसी के साथ चाहती हूँ जो आप बात कर रहे हैं. पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इस पूरे पिछले साल टीम इंडिया के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर शफलिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम बायलेटरल्स में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं. मगर उस आउटसाइड नॉइस का प्रेशर नहीं लिया इन्होंने. बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए और बड़ी टीमें ऐसे ही बनती हैं कि बाहर इन्हें पता था कि इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों का आइडिया था. यस. और ये सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है. राहुल ड्राइविड की टोटल रिस्पेक्ट है. उन्होंने टीम बनाई है, जैसे जैसे वो मिलके किया होगा, यानी कि खाली राहुल ड्राइविड ने किया है. रोहित, ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, वो वाइस कैप्टन है, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, बाकी भी इनका जो भी कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मिलके सारी प्लानिंग की और क्रिकेट बोर्ड को भी उनके क्रेडिट जाता है.
जिन्होंने खुला हाथ दिया हुआ था, उनको कहा था कि आप करें, टीम बनाएं, और ये सारी चीजें मिलजुल के होती है। और जिस तरीके से इंडिया आज के लिए क्रेडिट जाता है, मुशी भाई ने पहले ही कह दिया कि जिस तरीके से उन्होंने एक फ्लैट ट्रैक पे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइज हुआ कि बारी दे दी, लेकिन वो भी कोई प्लानिंग होगी उनकी, जैसे बाबर भी कह रहे थे हम बॉलिंग करेंगे, उस पर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, ठीक है बाबर ने और रिजवान ने थोड़ा सा रेसिस्ट किया है, लेकिन जो चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि थोड़ा हमें अपना स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने 190 चेस करना था, 50 ओवर भी कर सकते थे और आराम आराम से लगे रहते, लेकिन चूंकि एक टून सेट हुई है इस मॉडर्न डे क्रिकेट में कि आपने 7-8 करना है, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 272-35 ओवर्स में चेस किए, वो काम कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं इंटरनेशनल गेम में, वो उसको यूज टू हो रहे हैं कि किस तरह हमने बड़ी टीमों के खिलाफ भी अटैक करना है। पाकिस्तान की बड़ी टीम है जिसके खिलाफ इतनी अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, ये क्रेडिट जाता है इंडिया को। ठीक है, एक दिन है आगे, अभी 6 मैच पड़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम कहें जी पाकिस्तान को ये हो गया। ठीक है, एक गेम है, अभी तो हारे नहीं है, लेकिन कोई करिश्मा, कोई ऊपर से बर्फ गिरनी शुरू हो जाए तो मैच ही ड्रॉ हो जाए, और बात वो लेकिन उसके बाद 20-25 रन्स रहेंगे, इस पर बर्फ भी गिर जाए तो डकवर्थ लुईस जो मेथड है उसको दर्द हमारी। अच्छा, एक तो रोहित शर्मा का मैं स्टैट आपको दिखाना चाहते हैं, हम के वो लास्ट 5 गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है। एक और बात यूसुफ भाई, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी तो ये हार है, ये पहले हम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखते हैं जी, पहले दुबई में 52 और 111 नॉट आउट दुबई में 2018 में, 140 मैनचेस्टर में 2019 जो वर्ल्ड कप था, और पाली खेले में 11, कोलंबो में 56, अहमदाबाद में आज जो है वो 86 जो है उस पर इनकी विकेट गिरी, और ये जब उस इनका स्टैट दिखा रहे थे हमने, वो उसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो रोहित शर्मा, और दूसरा पॉइंट आप जो डिस्कस कर रहे थे, 92 में पाकिस्तान 43 रन से हारा इंडिया से, 96 में 39 रन से हम हारे, 1999 में 47 रन से हारे, 2003 में हम 6 विकेट से हारे, उसके बाद 2011 में 29 रन से हारे, सबसे करीब हम 2011 में गए थे, 2015 में 76, 2019 में 89 रन से, हम 79 रन से बल्कि हारे, 89 रन से हारे 2019 में। अच्छा, तो तकरीबन वर्ल्ड कप्स में हम जितने भी ग्रेट्स और लेजेंड्स के साथ खेले हैं, जितने भी 92 की हम बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, 96 में 99 में हमारी टीम बेहतरीन टीम थी, हम तब भी नहीं जीत पाए। अच्छा, वो देखिए, वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक प्रेशर जो है वो उस टाइम कोई ऐसी क्रिकेट हम खेल जाते होंगे कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन उसके अगले दिन ही आप बायलैटरल सीरीज करते थे ना, हम आराम से जीत जाते। मैं उसका रिकॉर्ड बता दूं आपको, आराम से जीत जाते, बिग मैच प्रेशर। मैं अगर आपने बायलैटरल की बात की वो भी बता देते हैं, 134 ओवरऑल मैचेस हैं, 73 पाकिस्तान, 56 इंडिया, इन एशिया 101 मैचेस, ये अभी कुछ हुआ होगा ये रिसेंटली, नहीं 73 नहीं, उससे पहले बहुत फर्क था। अच्छा, इन एशिया 58 पाकिस्तान 39, खास बात ये कि इंडिया में भी 47 मैचेस हैं, 28 पाकिस्तान 19 इंडिया, और फाइनल्स देखे ना टूर्नामेंट्स के, तो उसमें भी हम फाइनल ज्यादा जीते। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक वर्ल्ड कप का एक था उस टाइम का पैच, जहाँ हमारा अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखें, हमने मारा है उनको, हमने उनको सेंचुरियन में हराया है, हमने उन्हें बर्मिंगम में मारा है, हमने उन्हें एशिया कप में बहुत दफा मारा है, ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जिसमें वो फाइनल्स 11 में से 8 हम की कहले में, फाइनल्स 11 में से 8 हम, आज तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया ना, आज की बात छोड़ दे, बाकी पीछे 2003 तक जो था मामला, नहीं आउट क्लास उन्होंने अभी रिसेंटली हमें एशिया कप में भी किया, हां कह सकते, तो वो ज्यादा बड़ा आउट क्लास था जो वो किया, मतलब वो कंसिस्टेंटली पिछले दो मैचेस से आप देख लें तो दे हैव टोटली, हमने एक दफा भी सवाल नहीं, वी नेवर आस्क क्वेश्चन इन दिस मैच, बिल्कुल नॉट इवन वंस हमने प्रेशर डाला। मैं बात करूंगी माइकल वॉन की बात पे आऊंगी, माइकल वॉन ने जो है वो यहाँ पे कहा कि इंडिया हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप्स, डेफिनेटली उन्होंने वो लिखा नहीं बट मैं ऐड अप कर देती हूँ, पाकिस्तान हैव सो मच टैलेंट बट दे प्ले लाइक अ टीम दैट डजंट बिलीव दे कैन बीट द मेन इन ब्लू। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, इज दैट द सिमिलर टैलेंट और इज इट दैट इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर, मतलब इफ अगर मैं टैलेंट की बात करूं और मैन टू मैन मार्किंग करूं, डू यू थिंक आर वी सिमिलरली टैलेंटेड, हैव वी गॉन थ्रू ऑल दैट रिग्रेस एफर्ट जिससे टीम इंडिया गुजर कर गई? नॉट रियली। आप देखे जाए इसने जो बात की है, इट्स एक्चुअली इट्स अ बैलेंस है जिसमें थोड़ा सा हमारा बिलीव भी कम लगता है जब हम इनके खिलाफ खेलते हैं, और दूसरा हमारा जो टैलेंट के ऊपर जो आपने कहा है या यूसुफ ने कहा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ODI या 5 ODI खेल के आए हैं, पांड्या उसका कप्तान था, सारी टीम इन्होंने नहीं भेजी थी जिसमें ये सारे यंग लड़के जो बेंच पे भी बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, वो हार के आगे वहाँ से जी हार के आगे, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपके सामने बैठा हूँ,
मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, यू नो लाइक इन दे आर नॉट सीरियस विद द क्रिकेट, क्यों हार रहे हैं वेस्ट इंडीज से। मगर उसके पीछे जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और एशिया कप में जब ये आए हैं तो तब पता चला है कि ये ऑस्ट्रेलिया खिलाफ खेले हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले, तब भी रोहित शर्मा रेस्ट कर रहे हैं, तीन ओडीआई की जो सीरीज खेली, विराट कोहली भी रेस्ट कर रहा है। ये हारने से इंडिया की टीम बनी तब है, अब जो रिसेंटली बनी है, जो अब इनकी इतनी वैल्यू और इज्जत है, हार ये हार का डर इन्होंने निकाल दिया। जो हम बार बार करते ना कि सारा क्रेडिट जैसे यूसुफ ने दिया, इनकी मैनेजमेंट को दिया, इनके हर बंदे को दिया है, आई थिंक द क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इस वर्ल्ड कप से पहले। हमारा क्या होता है कि हम वर्ल्ड कप में 19-20 खुदा न खास्ता 19-20 परफॉर्मेंस होती है, फिर हम 4 साल तक कुछ नहीं कहते और वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो, वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो। हम वो वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की रात को पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और उसके बाद खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में 19-20 हो जाता है तो फिर एकदम कोई 3-4 डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिससे किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, व्हेन वी डोंट मीन। ये क्या वो एक डिसीजन अबरार को रिजर्व में रखना है? नहीं, देख लेना आप जो भी है, मतलब आप देखे ना कि आपके सामने ये चीज, हमारे बच्चे खड़े हैं, ये हमारे प्लेयर हैं, ये हमारे हीरोज हैं, और हमें गिव अप नहीं किया होगा अभी, वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर येट, वर्ल्ड कप अभी है और ये करेंगे, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। बट हमारे सिस्टम की बात बार बार हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हारे वेस्ट इंडीज से और सारे प्लेयरों ने बाहर बिठाए, फिर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ खेले वर्ल्ड कप से, फिर एशिया कप जीत के गए, फिर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ मेन प्लेयरों को बिठाया, पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड दैट बेंच स्ट्रेंथ, और बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो गई है कि एक एक लड़का इनका जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है, आई बिलीव यू नो के 15-15, 20-20, 25-25 मैच हो चुके हैं, और ऐसे मैच हो चुके हैं कि उनका टेम्परामेंट बन गया है। अब ये चीज जो है ना, ये हम लैक करते हैं, इसलिए जो माइकल वॉन की जो ये जो ट्वीट है ना, ये जो उसने ट्वीट की है ना, इसका मतलब पता है कि बिलीव तब आता है इंसान को जब वो हारने से नहीं घबराता। बस जब हम जैसे बैट्समैन वो बनता है जो आउट होने से नहीं घबराता, जो फेलियर से नहीं घबराता, वो बड़ा प्लेयर बने। बिल्कुल सही, क्योंकि इतने मजे की बात है जो आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात कर रहे हैं, शुरू के जो 2 मैचेस उन्होंने ओडीआई में खेले उसमें फ्रेश टीम थी, उसमें ये टीम नहीं थी, उसमें विराट नहीं खेल रहे थे, उसमें रोहित खेल रहे थे बट विराट नहीं खेल रहे थे, एंड वो दोनों जीती इंडिया। तीसरे जिसमें सारे लड़के वापस आ गए, जिसमें सिर्फ गिल को नहीं खिलाया था, गिल को भेज दिया गया था, उसमें हारी इंडिया। बट दे डोंट केयर कि हम बायलैटरल में जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हम वर्ल्ड नंबर वन होकर कहीं जा रहे हैं। बिकॉज अगर अब देखें टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड नंबर वन होकर वर्ल्ड कप में उतरी है, बट वर्ल्ड नंबर वन होने का कोई एक्स्ट्रा 50 रन पहले थोड़ी मिल जाते हैं कि वर्ल्ड नंबर वन होकर उतरे, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। देखिए वर्ल्ड नंबर वन कभी वेस्ट इंडीज थी, तो वो जहाँ जाती थी दुनिया में फेंटा लगा के आती थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, जहाँ गई फेंटा लगा के आई। इस तरह का वर्ल्ड नंबर वन होना ये और चीज़ है, जैसे हम एक बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इधर शोर डल गया था। नहीं आपने फिर एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, एक दिन। मेरा मकसद है कि आप खेल रहे थे दुबई में सारा, आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, तो टेस्ट मेज यू हाथ में आई थी और वापस चली गई। अच्छा उस टेस्ट मेज का क्रेडिट लिया था, मतलब जाहिर है पूरी टीम को क्रेडिट था, पूरे मैनेजमेंट को था, मैं भी खुशी थी। लेकिन मिसबाह उल हक ने पिछले दिन एक बयान भी दिया था, मैं बात थोड़ी सी आज के मैच से हट जाएगी, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त हम टेस्ट में नंबर वन बने तो क्रेडिट था सारा, बट आज जब हमारी वनडे की टीम नंबर वन बनी तो ये कमेंट्स कुछ इस तरह के दिए गए थे कि हम बी और सी कैटेगरी की टीम ऑस्ट्रेलिया डी के साथ, न्यूजीलैंड डी के साथ जीत कर हम नंबर वन बने, इसकी कोई वक्त कोई वर्थ नहीं है, ऐसा भी उनकी जानिब से बयान दिया गया इसको देख लेना चाहिए अपने आप को भी थोड़ी देर, फिर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इसका बनता था, बस ये बनता था कि मैं ऐड कर दूं बीच में, ये कहना नहीं बनता था, क्यों नहीं कहना बनता था? अब क्यों कहता हूँ, बहुत लंबा ये प्रोग्राम थोड़ा है ना। देखिए अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, यस लड़कों का कोई कसूर नहीं है, एफटीपी किसने बनाई, क्या जिम्बाब्वे हमारे साथ खेलती रही, क्या नेदरलैंड हमारे साथ खेलती रही, या फिर अगर न्यूजीलैंड आई तो उसने अपनी बी साइड भेज दी और अपने मेन लड़के आईपीएल में भेज दिए, इसमें हमारे लड़कों का कोई लड़कों कोई कसूर नहीं, मगर हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ कि बांग्लादेश जब हमने पिछला वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले बांग्लादेश ने अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को बुलाया हराया, न्यूजीलैंड को बुलाया हराया, और उस तरह बांग्लादेश आई एंड
इंडियन वर्ल्ड कप में आके खड़ी नहीं हो सकी बिकॉज वो एक डिसेप्टिव बबल में थे कि हम बड़ा अच्छा करके आए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. वॉज दिस आर डिसेप्टिव बबल जो कि एशिया कप में बर्स्ट हुआ था? कैन बी, कैन बी. बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन, जो भी हम बात करते हैं ना, मैं वो बार बार बात को घुमा फिरा के उधर ही लेके आऊंगा. मेरा अपना मानना है विद एक्सपीरियंस जो भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि हमारी अभी तक कोई लड़कों को हमने तैयार किया ही नहीं हुआ. मैं शहीन की बात कर रहा हूँ. आज नसीम शाह इंजर्ड हुआ है बेचारा, उसके ऊपर हमने 3 हफ्ते तक सोगम गाया है. बिल्कुल, क्योंकि ठीक है बेचारा इंजर्ड हो गया, हमारा मेन प्लेयर था, हमें दुख है, मगर क्या इसके बाद उसके कोई रिप्लेस नहीं मिला तैयार की हुई आपने? बिल्कुल, मतलब यू हैव नो आइडिया कि अभी वो वसीम जूनियर है. वसीम जूनियर इज बीन ट्रैवलिंग विद द पाकिस्तान टीम फॉर लास्ट 2 इयर्स ऑलमोस्ट. ठीक है, अभी तक उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं. तो इट मींस यू आर बैंकिंग ऑन रॉन्ग पीपल ना, एंड यू आप उसको मौका भी शायद नहीं दे रहे खिलाने का. आप अगर आपके पास पाकिस्तान में क्या कमी है एक टैलेंट की, अभी माइकल बॉन ने क्या कहा कि हमारे पास टैलेंटेड टीम है, बस हम सिर्फ डर निकाल दें कि हार का इट्स ओके टू लूज. नीदरलैंड के सामने फुल फ्लेज टीम खिलाना बंद कर दें. आप यू नो सम टाइम दे नीड टू हैव अ ब्रेक, यू नो दे नीड टू अंडरस्टैंड. बाबर की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, रिजवान की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे मेन प्लेयर हैं. हम इनको मतलब ये कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आप जो कहना चाह रही हैं सुनना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हमारी क्रिकेट है ना, वो हम एक्सपोज तब होते हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर जब पड़ता है तो हमारे पास वो उस सिचुएशन से बैकअप प्लान नहीं होता. अब न्यूजीलैंड की एग्जांपल हम बार-बार कोट कर रहे हैं कि केन विलियमसन फिर इंजर्ड हो गए, फिर उनके अंगूठे पे फ्रैक्चर आ गया, थंब पे फ्रैक्चर आ गया, बट स्टिल उनकी टीम वहीं पर स्टैंड कर रही होती है जहां पर अपने मेन प्लेयर्स के साथ होती है. वो इसलिए कि वो अपने लड़कों को पूरा मौका देते हैं. 50 लाख आबादी का मुल्क, भाई 50 लाख आबादी में वो जो एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं ना, उस आपके बेंच स्ट्रेंथ देखें फास्ट बॉलर उनकी, बिल्कुल आपके हेनरी वगैरह वो अभी सारे बाहर बैठे हुए हैं, वो सबसे तेज है. सऊदी बाहर बैठा हुआ जो की कप्तान था इनके टेस्ट मैचों में. आपका जो लेग स्पिनर है वो भी बैठा हुआ मेरे ख्याल में. ठोक बजा के किसी को लाते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को लाना है तो पूरा ठोक बजा के लाना चाहिए कि इसमें वो पोटेंशियल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सरवाइव करे, या ऐसे ही कल को पता चले कि बस एक सवाल फिर जरूर आपसे पूछूंगी.